मैं विकास वर्मा, द ग्रेट इंडिया फाउंडेशन में आपका दोबारा स्वागत है। आपने मेरे पार्ट वन बैगन के पौधे पे आपने देखा होगा कि किस तरह से मैं मकड़ी के संबंध में भजन पटेल भजन जी को कैसे समझा रहा था। तो आज दोबारा मैं आया हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सुखरू लागड़ा। सुखरू लागड़ा जी के प्लाट पे आया था, बैगन का फसल है, और जो पार्ट वन में मैंने आपको बताया था, आज यहाँ देखने को मिल रहा है, अच्छे से देखने को मिल रहा है। आप कैमरा थोड़ा नज़दीक लाएँ, आप दिखाएँ थोड़ा सा। ये मकड़ी के वजह से जो है ना, जो प्रॉब्लम्स होती है वो इस तरह से होती है। सूख गया है पौधा, ये गिर जाएगा, एक पौध फूल ये ड्रॉप कर गया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे क्लोजअप में, यहाँ देखिए कि ये तीन चार फूल थे, यहाँ में एक फूल टिका है। ये माइट के पेनिट्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, अभी आप आगे जाइए, मैं आपको और अच्छे से डायग्नोस करके बताता हूँ कि किस तरीके से बैगन के फसल पे और मेजर प्रॉब्लम आता है। आप आके आगे आइए, देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्ट किया है। ये देखिए, यहाँ देखिए एक भी फूल नहीं है। अभी ये टॉप वाला हिल जो है, टॉप वाला पार्ट आप देख रहे हैं, टॉप वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे फूल सारे लगे। ऐसे यहाँ भी लगे थे, लेकिन मकड़ी के पेनिट्रेशन की वजह से ड्रॉप कर गए। आप यहाँ भी देख सकते हो, एक भी फूल नहीं है। और अभी करंट में आप यहाँ देख सकते हो, देख रहे हैं ना, ये क्या है, जब मकड़ी मॉर्निंग में मकड़ी जब पेनिट्रेट करता है तो इस वाले पार्ट पर, जैसे यहाँ मान लीजिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं और ये टर्न कर गया, तो इसमें हेल्दी, ये हेल्दी फ्लावर हैं जो स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं। जैसे ये वाला स्टार्टिंग फेज़ में है, यहाँ पर आप क्लोजअप करिए, ये देखिए यहाँ पे कुछ काले काले से पार्ट दिख रहे हैं। ठीक है, ये काला काला सा हिस्सा दिख रहा है। अगर ये जो फूल आप देख रहे हैं, जब ये टर्न करेगा, जैसे यहाँ पे अभी गाँठे बननी शुरू हुई, ये टर्न करके नीचे मुड़ जाएगा, तो ये सेट हो जाएगा, फ्लावर सेटिंग हो जाएगी। लेकिन जो ऊपर है और मकड़ी का पेनिट्रेशन इसमें होता है, ये गिर जाएगा। तो ये किसानों को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत यहीं पर है कि उनके खेत में मकड़ी की वजह से कितना नुकसान होता है। स्पेशली अगर बात करें ब्रिंजल, टोमेटो, चिली, जो सोलेनेसिस क्रॉप है, और इसमें सबसे ज़्यादा माइट की वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग का केस होता है। लोग इसको समझते हैं कि किसी दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है। लग रहा है जी, आपको ये चीज़ें देख करके समझ में आ गया होगा कि जो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से, और अगर हम इसमें समय रहते मकड़ी नाशक दवा नहीं डालते तो ये दर कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है और नुकसान होता है। तो मित्रों, आप लोग इस बार इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइए, देख लीजिए कि मैं जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, और अच्छे से देख लो एक दो बार। आप यहाँ पे देखिए, कोई भी फूल नहीं है, कोई भी फूल नहीं है। ठीक है, और अभी जो नए फूल आ रहे होंगे, आप आइए थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको और अच्छे से एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अभी जैसे ये नए फूल आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये नया फूल आ रहा है। ठीक है, ये नया फूल आ रहा है, इसमें अगर इसमें किसी भी तरीके से अगर मकड़ी पेनिट्रेशन करेगा, जैसे यहाँ पे सारे गिर गए हैं, उसी तरह एक और कारण होता है कि इस पार्ट में अगर यहाँ पर जहाँ फूल लगा होता है, अगर एब्सेसिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो फ्लावर ड्रॉपिंग का केस होता है। मेजरली ये बरसात में या कुछ एब्सेसिक एसिड की अतिरिक्त एक्सेस होने की वजह से ड्रॉप होता है। तो उसमें जो है, आप प्लानोफिक्स वगैरह जो डालते हो उससे कंट्रोल हो जाता है। अगर दूसरी अच्छी दवा की बात करा जाए तो इसमें क्या है, आप मेजरली 13045 और अमीनो एसिड 72.8% अगर आप कम्बिनेशन करते हो ना, तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो ये आप ड्रिप के थ्रू आप करो, फोलियर स्प्रे में करो, तो ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। ठीक है मित्रों, आगे पार्ट 3 में भी कुछ और बताएंगे। नमस्कार, थैंक यू।